हाय फ्रेंड्स, हमें तो ऊजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और आज एक्चुअली ये यू नो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मतलब और मजाकिया एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मजाकिया क्या है, एक्चुअली मेरे को सुबह जब मैं उठा, बिकॉज मैं नॉर्मली 5 बजे उठ जाता हूँ, उससे भी शायद पहले, तो मेरे पास शबान भाई का एक मैसेज पड़ा हुआ था कि यार अमित भाई, एक वीडियो है जमीर ने डाला है, उस पर ना आप बिल्कुल रिएक्ट मत करना, गुस्सा मत। तो अच्छा, मैं ढूंढता रहा तो भाई वो वीडियो मुझे मिला नहीं। तो फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा। तो लिंक भेजा तो उस वीडियो में जब मैंने वो वीडियो देखा, तो मैं एक्चुअली ये वीडियो फ़ोन मतलब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जमीर भाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए बना, थैंक यू। अब उसमें आपने कुछ पॉइंट्स रेज करे तो कोई बात नहीं कि भाई मैं लॉन्च से शुरू हुआ, मैंने यू नो जी स्कैन से मेरा फिर ज़्यादा लंबा लेना देना, मतलब लंबा क्या मेरा कोई लेना तो अलग कहानी है। अच्छा जी, फिर एक्स टूल, अब आप थिंक टूल, बीच में आप भूल गए कारमैन, कारमैन को भी यहाँ पे इंडिया में एम्प्रो का जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है डैनियल से करवाने वाला, वो मैं खाकसार हूँ। बट एनी वे जो है, तो फिर आपका ये था पॉइंट कि जनाब आपको अच्छी तरह पता था कि जो थिंक टूल है, इन्हें देख लो आप ध्यान से, ये रहा थिंक टूल, आपके वो आपका क्या पॉइंट ये था कि आपने कहा कि ये जो थिंक टूल है ये एक्स टूल से कहीं सुपीरियर था है, और आप इस चीज़ को यू नो फिर भी आप एक्स टूल को बेचते रहे। माई डियर सर, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि पिछले साल जब मैंने इसको मंगाया थिंक टूल को, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने सुनील जी को 1 साल पहले आगाह कर दिया था कि जनाब अगर एक्स टूल की जड़ों में कोई मट्ठा देगा या बाकी टूलों की जड़ों में मट्ठा देगा तो वो ये टूल देगा। अच्छा जी, तो आपको अगर ये लगता है कि मैंने इस टूल को टेस्ट नहीं किया, क्योंकि आपने फरमाया कि मुझे अच्छी तरह पता था, जी हाँ बिल्कुल पता था। बात ये है जमीर भाई, एक बात ध्यान रखना, एक फौजी जो होता है वो अपनी फौज के लिए लड़ता है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाले की फौज में क्या है और क्या नहीं है। मेरी हालत जो थी, आपने अब थोड़े पढ़े लिखे तो आप मुझे लग ही रहे हैं, तो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन को अच्छी तरह मालूम है कि रशिया जो है उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो जनाब मैं भी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था एक्स टूल में, किससे, थिंक टूल से। इनके जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने किस तरीके से डाइवर्ट किया वो मैं जानता हूँ, और अगर आपको ये लगता है और एक्स टूल में अब जितने भी बाशिंदे हैं उनको ये लगता है कि जो उन्होंने सवाल पूछे थे ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग के, अगर आपको लगता है कि एक्स टूल कर सकता है तो करके दिखा दो, मैंने तो ट्राई करा, नहीं हुआ, नहीं होता है अनफॉर्चुनेट। फिर आपका सवाल था जनाब, ऐसा है कि आप जो एकेडमी है वो आप थिंक टूल की बना दोगे, नहीं यार, मैं थिंक टूल के साथ काम करूंगा और ओटेल की एकेडमी बनाऊंगा।
अबे भाई जिसके साथ काम करूंगा उसी तो अकेडमी चलेगी। नंबर फोर, आपने उनसे रिक्वेस्ट करी थिंक टूल वालों से कि भाईजान इनको बिल्कुल भी डीलरशिप मत देना, मत दो। अगर वो आपके इतने प्यारे दोस्त हैं अल्ताफ भाई और शहजाद भाई, तो आप वो बिल्कुल डीलरशिप नहीं देंगे, आपकी बात मान लेंगे, तो उससे क्या होने वाला। अगर आपके मन को तसल्ली बनती है तो उनसे आप बात अपनी मनवाओ। फिर आपका एक पॉइंट था जनाब, ऐसा है कि जो आपने एक्स टूल को बेचा है उनकी जो अपडेट्स हैं वो लोगों को मिल नहीं रही। एब्सोल्युटली करेक्ट। उसमें एक काम करते हैं, वो एक्चुअली एक्स टूल जो है ना वो मेरे बाप की फैक्ट्री में बन रहा था। मेरे पिताजी, जो मेरे मरहूम पिताजी, उनकी फैक्ट्री में बन रहा था। अब मैं उनको एक टेलीग्राम भेजता हूँ ऊपर कि वापस आओ और अपडेट दो। वो मेरे भाई, मैं एक डीलर था, मैं सोचता था कि मैं एक डीलर हूँ, उस वजह से मैंने टूल बेचा। मैंने हर तरीके की जिल्लत सही। एक साल पहले मैंने बता दिया था एक्स टूल में सुनील जी को कि ये टूल जो है थिंक टूल आपके टूल से, हमारे तो उस टाइम के एक्स टूल से फार सुपीरियर है जो है वह है। अब आप ये बोलो कि मैं, मेरे को इल्म नहीं था, तो इतना बेवकूफ़ मैं भी नहीं, दुनिया जान के टूल चलाता हूँ, दुनिया जान के टूल खरीदे हुए, तो मुझे पता है कि किस टूल की औकात कितनी है। और पहले ही मैंने बता दिया कि आपको तंग करने वाला एक ही टूल है। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ अपडेट्स के बारे में, साहब ऐसा है कि जो जिन्होंने मेरे से टूल लिया है उनके पास मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके अपडेट्स नहीं हो रहे हैं, आपको तकलीफें आ रही हैं, तो आप एक काम करो, पुलिस स्टेशन में जाओ और मेरे खिलाफ दो कंप्लेंट लिखो। एक कि मैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लेने से मना कर रहा हूं, कि आप मुझे अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देने दे रहे हो और मैं नहीं ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाओ। दूसरा ये रिपोर्ट लिखाओ कि मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा। जैसे मैंने कहा कि मेरे बाप की फैक्ट्री है, एक्स टूल वहीं बनता है, तो फिर पिताजी को बुला ले। बाकी ये है जमीर भाई, आपके बाकी अगर मैं कुछ और पॉइंट मिस कर गया हूँ, आई डोंट नो, व्हाटएवर, मैं आपका एक्चुअली उनका, मेरे को फोन यूं आया था, उनको लगा कि मैं आपके खिलाफ ये बोलूंगा कि मैं लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी वीडियो डालूंगा कि जो कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, फलाना है ढिमकाना है, ऐसा है। हाँ, एक आपने बोली कि आपको आपको अपने बैंक अकाउंट की पड़ी हुई है, तो मेरे भाई हम सब बिजनेसमैन हैं, और बड़े आराम से मैं बात कर रहा हूँ कि हम सब बिजनेसमैन हैं। जिस दिन जनाब ज़कात भी देनी होगी ना, तभी अगर अकाउंट में पैसे होंगे तभी दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा। जिनको मैंने टूल बेचा, ऐसा है हर टूल में कुछ कमियां हैं, खूबियां हैं, हर टूल मल्टी ब्रांड में एक मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है, जो कि हमने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, जो इनके सवाल थे ऑनलाइन कोडिंग, प्रोग्रामिंग, SEN कोडिंग, फलाना ढंगाना, जो मुझे मालूम था क्या, ट्राई हमने, मेरे पास दुनिया जान की गाड़ियाँ आती हैं, सब पे ट्राई करता हूँ, तो मुझे मालूम था कि ये नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को डाइवर्ट कराया
और जो एक्स टूल की खूबियां थी, जो वो करता है, जो ये नहीं करता, ये मीटर पीछे नहीं करता, ये चाबियों का काम नहीं करता, तो मेरा जो पिच था वो वही था। उससे शराबाई को वगैरह वहाँ पे थी एफटीएफ को मेरे पे खूब गुस्सा आया, मैंने खूब गालियां खाई। तो ताड़े रोके, आप एक बात ध्यान रखना, मैं जो जंग लड़ रहा था, फिर मैं आखिर दोबारा में बोल रहा हूँ, मैं जो जंग लड़ रहा था जनाब, मैं यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहा था रशिया के खिलाफ, जिसमें मुझे अच्छी तरह इल्म था कि मेरे यू नो कच्चे बनियान सब फटेंगे, उसके बावजूद मैंने जंग लड़ी और कभी साथ नहीं छोड़ा, छुड़वाया गया। ये अनाप शनाप चीजें बोल के कि हमारे यहाँ तो सब रीसेलर, सॉरी मैं रीसेलर नहीं, और अगर आपकी बात एफटीएफ टीम मानती है, आप क्या इतना सिक्का चलता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाईजान, आप उन्हें बिल्कुल कहिए कि मुझे वो डीलर ना बनाए, लेकिन जो सच्चाई है वो तुमने बयान करी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे अपने आप में बिजनेसमैन होने में कोई गिला शिकवा नहीं है। आप अगर कोई ECM रिपेयर करते हो, फ्री में कर दिया करो यार, है ना, तब की बात करें। So till we meet again with a new video. This is Amit Ahuja. Take care और ऐसे वीडियो डालते रहना। I'd love to have them. Thank you. Bye bye.